वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 की फेम अंकित गुप्ता ने बिग बॉस के घर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्यार कमाया है। ऑडियंस अभी भी इस उम्मीद में थी कि शायद अंकित गुप्ता को घर के अंदर वापस बुलाया जाएगा, लेकिन जुनूनियत सीरियल के प्रोमो ने जैसे ही टीवी स्क्रीन्स पर धमाकेदार एंट्री की, फैंस को इस बारे में पक्का हो गया कि अब बिग बॉस के घर के अंदर वापस नहीं जाने वाले अंकित गुप्ता, बल्कि नजर आएंगे वो कलर्स टीवी के एक और सुपरहिट सीरियल में। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि बिग बॉस 16 के घर के बाहर निकलने के बाद अंकित गुप्ता की वापसी टीवी इंडस्ट्री पे कोई आसान बात नहीं थी। जी हाँ, हाल ही में हुए इंटरव्यू के दौरान और साथ ही साथ एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अंकित गुप्ता ने बताया है कि बिग बॉस 16 के घर के बाहर निकलने के बाद उन्हें सीरियल के लिए काम शुरू करना कितना मुश्किल पड़ा, उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल था एक जोन से निकल के दूसरे जोन में खुद को शिफ्ट करना। जी हाँ, अंकित गुप्ता ने बताया है कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है और वो काम कभी भी पैसे या नाम के लिए ज्यादातर नहीं करते। वो काम करते हैं क्योंकि उन्हें एक्टिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और एक्टिंग के बिना वो ज्यादा नहीं रह सकते। इसीलिए सरगुन मेहता और रवि दुबे उनके लिए एक फैमिली जैसे हैं और इसीलिए वो उनके कहे हुए किसी भी प्रोजेक्ट को मना नहीं करते और उसमें अपनी पूरी जान डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बिग बॉस के घर के बाहर आए अंकित तो वो पूरे तरीके से अनस्टेबल हो गए थे। वो एकदम से काम शुरू बिल्कुल नहीं कर सकते थे और इसी दौरान उन्हें एक चेंज देने के लिए रवि और सरगुन ने उनको प्रॉपर हॉलीडे दिया, उनके लिए काफ़ी कुछ किया, उनके साथ टाइम स्पेंड भी किया, जिस वजह से वो अपने जोन में वापस आ पाए। इसी के साथ साथ अंकित गुप्ता ने अपनी पर्सनालिटी को पूरे तरीके से बदला है। अपनी पर्सनालिटी को एक इंट्रोवर्ट बंदे से हटाकर एक म्यूजिशियन बनाया है, जो कि उनके लिए सबसे टफ डिसीजन था। साथ ही साथ उनका पूरा हेयर स्टाइलिंग और ग्रूमिंग की गई है एक नए सिरे से, ताकि वो एकदम यंग सेंसेशनल स्टार लग सकें, जैसा कि वो अपने प्रोमो में साफ दिख रहे हैं। इसी के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें अंकित गुप्ता के बदलते हुए हेयर स्टाइल को साफ देखा जा सकता है। ऐसे में क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।